नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज और मैं आपके साथ वंदना। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबर पे। हमारे संवाददाता आलोक कुमार की खबर साहिबगंज से। साहिबगंज शहर के टाउन हॉल में महिला जागरूकता एवं बाल संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जिला उपायुक्त राम निवास यादव, एसपी अनुरंजन किसपोट्टा, जिला मुख्यालय डीएसपी संजय कुमार, डीपीओ विजय आशीष कुजुर, नगर थाना महिला थाना प्रभारी रूपा तुर्की, सुषमा कुमारी, मनीषा कुमारी ने अपने हाथों से दीप प्रज्वलित कर इसका विधिवत शुरुआत किया। वहीं तंदोपरांत स्कूली बच्चों के द्वारा गणेश वंदना गीत गाकर एवं जिला उपायुक्त व एसीपी के माथे पर तिलक लगाकर व बुके देकर कार्यक्रम की शुरुआत की गयी। इस दौरान शहर में महिलाओं एवं छोटे छोटे बच्चों के बीच हो रहे अपराध को लगाम लगाने के लिए प्रोजेक्टर के जरिए आम जनता को जागरूक भी किया गया। महिलाओं के सुरक्षा, बच्चों के सुरक्षाओं के लेकर के ये जागरूकता कार्यक्रम का ये पहला हमारा कार्यक्रम था। अब वो आज शहर में था, कल हम लोग गांव की ओर बढ़ेंगे। इसमें आप देखेंगे हमारा जितना भी लाइन डिपार्टमेंट थे जिला के, समाज कल्याण विभाग से जुड़े हुए थे, CWC के लोग थे, CDPU भी थे, चाइल्ड लाइन से जुड़े हुए लोग थे और बहुत सारे NGO के भी जो महिला सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। ये बेसिकली आज हम लोग इस कार्यक्रम के इस मंच से लोगों के बीच में संदेश देना चाह रहे थे कि आपकी सुरक्षा के लिए हमारी पुलिस तैयार है, महिला थाना प्रभारी तैयार है, उनकी पूरी टीम तैयार है और किसी भी परिस्थिति में आपकी मदद के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं। ये हमारा आज का मेन किरदार। COVID-19 vaccine is safe. Follow the prescribed process for vaccination. Register on Cowin system using a valid photo ID. Beneficiary will receive SMS messages on their registered mobile number. On the vaccination site, Vaccination Officer 1 will check registration and verify photo ID of the beneficiary. Vaccination Officer 2 will authenticate verify documents on Cowin. Vaccination Officer will vaccinate the beneficiary. Following vaccination, all beneficiaries should wait in the observation area for 30 minutes. Vaccination Officer 4 and 5 will ensure 30 minutes wait, monitoring and guiding the non-registered beneficiaries. Come for second dose of vaccine on the due date as per SMS received.